नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमडी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर सबसे बड़ी कोई खबर है तो क्या है? वो खबर है सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये संजय राउत किसी जमाने में मुंबई के बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर्स में एक थे और धीरे धीरे वो बाला साहब ठाकरे की आवाज़ बन गए। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। किस तरीके से संजय राउत जो हैं बढ़ते 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 बाला साहब ठाकरे के इतने नज़दीक आ गए, वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि देखिए आज वो कैसे क्या है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा के पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं, आप जान ही रहे हैं। अरेस्ट करने से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड की थी और राउत और उनके मैत्री बंगले से उन्हें हिरासत में लिया जाता है। ईडी ऑफिस ला करके 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक दौर था 80 का दौर जब उन्हें क्राइम रिपोर्टर के नाम से बतौर क्राइम रिपोर्टर जाना जाता था। लोक प्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की काफ़ी चर्चा हुआ करती थी उस दौर में। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का बड़ा नाम होता गया और वो यानी कि संजय राउत बाला साहब ठाकरे की नज़रों में आ गए। राउत का मातोश्री आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनाने का ऑफर दे डाला। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को राउत ठुकरा नहीं पाए और पिछले लगभग 30 साल से वे इसके कार्यकारी संपादक हैं और बाला साहब के जाने के बाद वे उद्धव ठाकरे के करीब आए और 2019 में जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल करके सरकार बनाई, उसके बाद से उन्हें शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा था। राउत के लिए कहा जाता है कि वे क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद भी कभी भी पुलिस चौकी नहीं गए थे और ना ही कभी किसी खबर को लेकर के पुलिस अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले राउत की खबरों का सूत्रधार कौन हुआ करता था, आप इमेजिन कर सकते हैं? दाऊद। और ये भी चर्चा है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरें देने के लिए एक्सपेक्ट टावर आया करता था। यहाँ पे दोनों बैठ करके कैंटीन में बातचीत किया करते थे, चाय पिया करते थे। ये बात 93 के ब्लास्ट में आने से पहले की है और जब ब्लास्ट में उनका नाम आया तो संजय राउत ने थोड़े से अपने कदम पीछे खींच लिए। 16 जनवरी 2020 को पुणे में एक कार्यक्रम में संजय राउत ने खुद यह कबूला था कि दाऊद से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को उन्होंने देखा था, उससे बात भी की थी, एक बार तो मैंने उसको फटकार भी लगाई थी। सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत ने अखबार में कई बड़े बदलाव किए। संवादीय में कई ऐसी बातें छपने लगी जो शिवसेना की विचारधारा से जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे ये अखबार बाला साहब ठाकरे की आवाज बन गया। वे संपादकीय को बाल ठाकरे की भाषा शैली में लिखने लगे। असंपादकीय तो राउत लिखते थे लेकिन उसे पढ़ने के बाद लोग समझते थे कि इसे बाल ठाकरे ही लिख रहे हैं। सामना में ये प्रयोग काफी लोकप्रिय हुआ और आज भी अखबार के संपादकीय को शिवसेना का ऑफिशियल वर्जन माना जाता है। सामना से जुड़ने के बाद राउत बाला साहब के बेहद करीब आ गए और धीरे धीरे शिवसेना की अंदरूनी पॉलिटिक्स का वो हिस्सा बनते चले गए। हालांकि अंबेडकर कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने वाले राउत छात्र जीवन से ही शिवसेना की स्टूडेंट यूनिट में एक्टिव थे। राजनीति में उनकी सोच और दूरदर्शिता को देखते हुए बाल ठाकरे ने उन्हें शिवसेना का उप नेता बना दिया। इसके बाद पार्टी बड़ी हुई और वो पहली बार 2004 में शिवसेना के टिकट से राज्यसभा पहुंचे। यहां से वे शिवसेना के लीडर भी थे
और राउत संसदीय और गृह विभाग से जुड़ी कमेटी के मेंबर भी रहे। 2005 से 2009 के बीच राउत सिविल एविएशन मंत्रालय की कंसल्टेंसी कमेटी के मेंबर होते हैं, और दूसरी बार 2010 और 2016 में और अब 2022 में लगातार शिवसेना की ओर से राज्यसभा के सांसद हैं। लगातार चार बार सांसद रह चुके संजय सक्रिय तौर पे 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एक्टिव हुए, और राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त सरकार बनाने में संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ था। शिवसेना में संजय राउत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी महाराष्ट्र की लगभग हर पार्टी में बेहतरीन पैठ थी। वे एनसीपी चीफ शरद पवार के बेहद करीब माने जाते हैं, और यही वजह है कि एमबीए निर्माण का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को ही दे दिया था। उद्धव ठाकरे के सीएम रहने के दौरान राउत तीनों दलों के बीच एक कहना चाहिए कि कड़ी के रूप में काम करते थे। राउत को मातोश्री यानी ठाकरे परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। शिवसेना में हुई बगावत के बाद भी राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा, उनकी ओर से मोर्चा संभाले रखा। वो मुखर होकर के अपनी बात रखते रहे और शिंदे के साथ गए 40 विधायकों को भी लगातार अपनी ओर लाने का उन्होंने प्रयास किया, जोड़ तोड़ करते रहे। हालांकि शिंदे को बीजेपी का साथ मिला और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और राउत ने सोशल मीडिया पे कविताएं और फिल्मी डायलॉग शेयर कर लगातार अपने विरोधियों को निशाना बनाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक रिपोर्टर बाला साहब ठाकरे की आवाज बन गया। सामना में वो शिवसेना के लिए लिखते रहे, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया है कि अब उनका समय चक्र बदला है। वो जमाने नहीं रहे जब वो क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे, जब उनके मुखबिर अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे, छोटा राजन हुआ करते थे, ये सब उनको रिपोर्ट्स दिया करते थे। कभी भी पुलिस स्टेशन पे संजय राउत नहीं गए थे, लेकिन आज वो ईडी की हिरासत में है, उनको रिमांड पे ले लिया गया है। न जाने आगे कि उनकी लाइफ कैसी होगी। कैसा लगा आपको ये मेरा कंटेंट, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ही अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, एमबी स्पीक देखते रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।